हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, टेक्निकल टाइगर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। आज मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। इंस्टाग्राम का एक न्यू अपडेट आ गया। अगर आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट नहीं करा तो पहले आप इसको अपडेट कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। इस बार भी इंस्टाग्राम ने सब कुछ चेंज कर दिया। आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज तो करते होगे, लेकिन दोस्तों अब आप उन चैट्स को किसी को भी शेयर नहीं कर सकते हो, मतलब किसी को भी शेयर कर सकते हो और कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखो। आपके मैसेज जो है किसी को भी सेंड हो जाएंगे, किसी को भी शेयर हो जाएंगे और कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो और कहीं पर भी आप कॉपी कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया अपडेट निकाला है इंस्टाग्राम ने। अगर आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट नहीं करा तो पहले आप इसको अपडेट कर लो प्ले स्टोर के अंदर जाके। अब ये कैसे आपको यूज़ करना है मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। और इसके अंदर एक और न्यू अपडेट है, आप अपने चैट्स को सेव कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर। ये कैसे यूज़ करना है आपको ये भी बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर लेना है। अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं करा तो आप प्ले स्टोर के अंदर जाओ और अभी जाकर इसको अपडेट कर लो, तो अभी आपको वो न्यू फीचर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर अपडेट करने के बाद इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ये मैंने ऐसे ही ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है अपने मैसेज में। मैं यहाँ पे अपने मैसेज में आ गया। मैसेज में आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको आना है किसी भी एक चैट ओपन कर लेनी है, किसी की भी। जैसे मेरे फ्रेंड्स की चैट्स से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरी कुछ बातें हुई हैं और मैंने भी चैट्स करे हैं और इसने भी। अब मेरे को अपने मैसेज जो हैं शेयर करने हैं और सेव भी करने हैं इंस्टाग्राम के अंदर। तो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं आपको बताऊँगा बहुत ही आसानी से। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैसेज कर रखा है कैसा है, मैं इस पर टैप करके रखूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है रिप्लाई फॉरवर्ड कॉपी सेव रिप्लाई अनसेंड। अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड करोगे तो ये किसी को भी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, यहाँ पे किसी को भी फॉरवर्ड हो जाएगा। बैक करता हूँ मैं, बैक करने के बाद मैं दोबारा इस पर टैप करता हूँ। अब यहाँ पर लिखा रहा है रिप्लाई, रिप्लाई तो आप समझते हो जैसे इस तरीके से, यहाँ पर आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा यहाँ पर मैं फिर दोबारा इस पर आता हूँ, टैप करता हूँ इस पर। अब मैंने पे लिखा रहा है कॉपी। अगर आप यहाँ पर कॉपी कर लेते हो, कॉपी करने के बाद आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। अब लिखा रहा है सेव रिप्लाई, ये बहुत ही मेन है और बहुत ही अच्छा है सेव रिप्लाई। अनसेंड तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन सेव रिप्लाई आप लोगों को शायद ही पता होगा। आप सेव रिप्लाई पे टैप करोगे इस तरीके से। आप यहाँ पे लिखा रहा है ऐड सेव रिप्लाई शॉर्टकट, राइट अ कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द मैसेज अबव योर रिप्लाई अपेयर्स व्हेन द शॉर्टकट इज द फर्स्ट वर्ड टाइप इन अ मैसेज। यहाँ पे मैसेज है कैसा है, राइट द फुल मैसेज यू वेंट टू सेंड टू कस्टमर्स। अब यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है अदरवाइज आप किसी भी तरीके से इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे 15 कैरेक्टर से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, तो सो कम ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना, एक दो लिख लेना या 10 लिख लेना बहुत हैं। मैं यहाँ पे कुछ ही लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ सेव, ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको राइट, राइट करने के बाद मेरा जो मैसेज है वो सेव हो चुका है। मैं दोबारा इस पर टैप करूँगा, इस पर टैप करूँगा, यहाँ पे लिखा रहा है सेव रिप्लाई, फिर दोबारा इसका ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके मैसेज कहाँ सेव हुए, यहाँ पे लिखा रहा है अनसेव चेंज, तो मैं ऐसे इसको यस कर देता हूँ। तो ये फीचर आया इंस्टाग्राम के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं कराया जल्दी जाओ और जाकर देखो और यूज़ करो इसको। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं।